बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए होममेड क्रीम की रेसिपी लेकर आई, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। और ये मैं बनाऊंगी डेयरी के दूध से, डिब्बे वाले दूध से ये बिल्कुल भी नहीं बन सकती और बहुत ही आसान तरीका है। चले जी, आते हैं अपनी रेसिपी का आगाज करते हैं। दूध को मैंने चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है। दूध को हमें अच्छे तरीके से उबालना है कि दूध हमारा बॉयल हो जाए। ये दूध मेरा उबल गया है। दूध उबलने के बाद मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। अब चूल्हा पे दूध रखा हुआ है, इसको हमें ठंडा करना है कि ठंडा हो जाएगा दूध तो उसके बाद हम इसको फ्रिज के अंदर रख देंगे। अगर आपको जल्दी है तो आप 2 घंटे के लिए इसको फ्रीजर में रख दें, नहीं तो अगर आप 10-12 घंटे का टाइम देना तो आप इसको नीचे फ्रिज में ही रख दें। चले जी, अभी मैं इसको अपने दूध को फ्रिज में रख रही हूँ और ये मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। तकरीबन 3 घंटे हो गए थे मैंने इसको फ्रीजर में रखा था ताकि जल्दी से हमारा दूध ठंडा हो जाए और इसके ऊपर अच्छी सी गाढ़ी सी बलाई आ जाए। अब इसके ऊपर मौजूद सारी बलाई को हम प्याले में इकट्ठी कर लेंगे। अच्छा, होममेड क्रीम बनाने के लिए हमें ताज़ा बलाई की ज़रूरत पड़ेगी या ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन पहले की बलाई हमारे पास पड़ी हुई होगी तो उससे भी क्रीम बन जाएगी, मगर उससे ज़्यादा पुरानी क्रीम ना हो, यानी बलाई ना हो। अब ये देखिए, मैंने बलाई को निकाल लिया है प्याले के अंदर और अब मैं बताती हूँ कि हम किस तरीके से अपनी क्रीम को निकालेंगे। बहुत ही आसान सा तरीका है। फुल वीडियो वॉच कीजिएगा, कोई भी हिस्सा मिस ना हो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें। अच्छा, अब मैंने क्या किया, अब एक दूसरा प्याला ले लिया और उस पर चाय छानने वाली छलनी रखी है, उसके ऊपर हम आराम से अपनी बलाई को निकालते जाएंगे और चमचे से उसको प्रेस करते जाएंगे कि सारी की सारी बलाई हमारी छन के दूसरे प्याले में निकल आएगी। ये देखिए जी, किस कदर आसानी के साथ हमारी सारी बलाई निकल रही है और बलाई में से ये जो बाकी हिस्सा बचता है इसमें ज़्यादा दूध की और ज़्यादा चिकनाहट होती है वो सब निकल जाती है। ये हिस्सा भी मत फेंकिएगा, इसको हम इकट्ठा कर लेंगे, जिसमें हम बर्तन में अपनी मक्खन इकट्ठा करते हैं, बलाई इकट्ठा करते हैं, उसके अंदर डाल देंगे। और ये है मेरी 1 दिन पहले के दूध की बनी हुई क्रीम जो मैंने बनाई थी। अच्छा जी, ये नीचे पड़ी थी, इससे ज़रा पिघली भी है। इसको जब हम फ्रीज़र में रख देंगे तो ये थिक हो जाएगी बाकायदा से और बहुत ज़बरदस्त सी, बहुत आसान तरीके से देखे मैंने होममेड क्रीम बनाई है। मुझे यकीन है आपको ये मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी का ये एक तरीका है, रेसिपी फिर इस क्रीम से बनती है। बहुत ज़बरदस्त सी आसान सी रेसिपी है, तरीका है, मुझे यकीन है आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर दें। इसी तरीके से आसान आसान सी रेसिपीज मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। अच्छा, कुछ दिन पहले मैंने मैंगो मॉस की रेसिपी दी थी, उससे मैंने यही क्रीम यूज़ की थी, उसका भी मैं लिंक दे दूँगी, ज़रूर वॉच कीजिएगा। इसी तरीके से मेरे चैनल के साथ बने रहें और मुझे दुआ में अपने याद रखें। अल्लाह हाफिज़।